शानदार व्यू है। साल के बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और फिर 100 साल सड़ा, मतलब कि 300 साल की इसकी मियाद होती है। 300 साल टाइगर 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 रवीश भाई कर गए हम। तो अभी भी यहाँ पे टाइगर देखा गया है, एकदम से निकला है जो हम थोड़ा सा आगे निकल गए एकदम से। वही ना कि आपके पास से टाइगर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ ये कैसा पॉइंट है, यहाँ पे उतर के हम देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स की साइटिंग कर सकते हैं। नीचे जो है रिवर है, रामगंगा रिवर, और हाँ क्रोकोडाइल है वो क्रोकोडाइल है। ये करीब करीब 5 फुट का, 5-6 फुट का होगा। और क्रोकोडाइल से एक बात बताऊँ आपको, एक आपने सुना ही होगा मछली जो रणथंभौर में एक टाइग्रेस हुई है, बड़ी फेमस हुई है और जिसका बड़ा दबदबा था रणथंभौर में, उसने एक 14 फिट के क्रोकोडाइल को मार दिया था, इस वजह से बड़ी फेमस हुई थी मछली। थोड़ा पीछे भी देखते रहना क्योंकि टाइगर को नहीं मालूम कि क्रोकोडाइल पॉइंट है। अभी पीछे टाइगर की साइटिंग मिस हो गई हमसे। हम हमारे साथ उषा जी हैं, इन्होंने ये लक्की है हमारे में कि इन्होंने टाइगर का एक ग्लिम्स जो था हल्का सा वो इनको दिखाई दिया। हर टाइगर की अपनी एक अलग टेरिटरी है। एक टाइगर की टेरिटरी में कई सारी टाइग्रस की टेरिटरी भी हो सकती है। एक टाइगर की टेरिटरी जो होती है बड़ी होती है, टाइग्रस की टेरिटरी छोटी होती है। तो एक टाइगर की टेरिटरी में हो सकता है कि उस इन बिटवीन ही 2 टाइग्रस की टेरिटरीज हो, 3 की हो, जिनसे उसी टाइगर के जो मेल टाइगर जो होता है उसके कब्स होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने पीछे साल का पेड़ देखा था, ये है लंगूर का पेड़। हाँ ये नहीं डरा। हाँ लेकिन ये भी छोटे हैं, इनका साइज भी छोटा ही है।
ये भी छोटा है। तो ये उड़ रही है देखिए फ्रेंड्स, यार क्या शानदार है यार। ये रिवर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बैकबोन लगा के चलिए लाइफलाइन है, राम गंगा रिवर। ये तीनों मेल है, ये थ्री मस्केटियर्स, सरदुली जो एफआरएस है वो पड़ेगा के सामने जो सर तू लिए। क्योंकि बार्किंग डियर है ना वो अंदर डीप, यहीं पे डीप उसमें मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता। बार्किंग डियर का साइज थोड़ा छोटा होता है और वो दिखने में इतना सुंदर नहीं होता। हाथी हाथी हाथी, ये पूरा, हाँ 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 पीछे चलिए। या तो मोड़ लो। ये पूरा पूरा हर्ड है, ये हाथी का पूरा हर्ड है। चलो एक बार ना थोड़ा पीछे लेके और इसको मोड़ के खड़ी कर लो, हो जाएगा। अगर जो मान लो चार्ज भी करता है, मॉक चार्ज भी करता है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा थोड़ा तेज चलाने का। आएंगे तो इधर से ही, तो हमारे पास बस वही है कि जो सरदुली की तरफ जो रास्ता जा रहा था अभी, वहां थोड़ा मोड़ के हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जी जी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो थैंक यू बोल रहे हैं क्या, मैं सुन उठा के सीधे आया, थोड़ा सा और आगे ले लो, आगे ना और काफी काफी आगे ले लो। मैं बता, नहीं वो नीचे गए, अब अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इनको ना झुंड को नीचे जा ले दो, क्योंकि हो सकता है एक आधा बीच में भी रह गया हो कोई, वो मस्ती में आएगा अपनी। ये जो टस्कर है ना, ये मैच्योर टस्कर नहीं है, बड़े नहीं है। जब ये इनका जो सीजन आता है वो वाले टस्कर नहीं है, जब ये बड़े और थोड़े हो जाएंगे तो इनको झुंड से निकाल दिया जाएगा थोड़े टाइम के लिए। ये भी भागता हुआ आ रहा है, लेकिन ये इतना पैनिक क्यों भाग रहा है।
ये छोटा सा टस्कर ये कीचड़ डालते हैं एक्चुअल में ना अपने ऊपर ताकि इंसेक्ट से बचे रहे। हाँ, वो जो दांत मक्खी काटती है ना, हाँ आजकल वो परेशान करती है, तो थोड़ा लेप टाइप का हो जाता है, लेप टाइप का हो जाता है, तो उस वजह से ये अपने ऊपर डालते हैं। तो इतना कॉमन सेंस जो है अलमाइटी ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबको दिया है, किसी ना किसी तरीके से अपना बचाव कर ही लेते हैं। ये स्पॉटेड डियर, ये बारिश हुई है ना, इस वजह से ग्रीनरी ज्यादा हो गई है, वरना विंटर्स में आएंगे ना यहाँ पे बिल्कुल सुनहरा। मेरी फेवरेट जगह आ गई। ये है चिनानोली, 1974 में बना था। कभी बोलते दो है, कभी तीसरा भी बोलते हैं यहाँ पे, वैसे दो ही हैं, दो रूम सेट हैं यहाँ पे। और ये देखिए व्यू, और ये ढिकाला से जस्ट पहले है चिनानोली। यहाँ बुकिंग होनी बड़ी मुश्किल है, बुकिंग हो ही नहीं पाती, वीआईपी गेस्ट हाउस में। चीतल स्पॉटेड डियर, ये एफआरएच कुछ ऐसा है। वैसे रूम तो इसमें, ये बड़े रूम होंगे इसलिए इसके दो दो गेट हैं। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है, बहुत शानदार है यार, बड़ी प्यारी लोकेशन है। तो ये फ्रेश थी, बिल्कुल फ्रेश थी। तो यहाँ इधर ये जो पानी का रिजर्वेयर ये है ना रिवर, यहाँ पानी पीने के लिए आया होगा। ये क्रोकोडाइल है, जहाँ पे हमने स्टे किया है। ये देखिए क्या शानदार व्यू है, ये रामगंगा रिवर। हमें टाइगर की तो अभी तक साइटिंग नहीं हुई है, लेकिन बाकी हमने बहुत इन्जॉय किया। ये थोड़ा सा मलाल ज़रूर रहेगा कि अभी तक हमने टाइगर नहीं देखा। आप सामने व्यू देखिए, कोई बात नहीं। कल फिर से हमारी सुबह सफारी स्टार्ट है।
तो सुबह हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी निकलने की मरी के लिए। तो सुबह सबसे परफेक्ट टाइम होता है टाइगर साइटिंग का। एक तो वैसे ये टाइम भी होता है, लेकिन इस टाइम क्या है कि 7 बजे के अराउंड जो है हमें FRH में एंट्री करनी होती है।